ऊना उपमंडल के 3 नगर निकायों और 28 पंचायतों के बाशिंदों को जल्द कूड़े कचरे की समस्या से निजात मिलने वाली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस कूड़े कचरे से बिजली, पानी और ईंधन बनाया जाएगा। कचरे का दोहन कर बिजली, पानी और ईंधन बनाने का काम जर्मनी की एजी डाउटर कंपनी द्वारा किया जाएगा। कंपनी विदेशी निवेश के जरिए ऊना में करीब 400 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित करेगी। जर्मनी की कंपनी और नगर परिषद ऊना के बीच पहले ही MOU साइन हो चुका है, जबकि ऊना में 2 नगर निकायों और 28 पंचायतों में MOU साइन हो गया। यूपी में भी इस तरह का प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल ऊना देश का पहला ऐसा जिला होगा जहां पर सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। इससे कंपनी द्वारा अमेरिकन आर्मी और नासा में इस तरह के 16 प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन कमर्शियल तौर पर ऊना में लगने वाला प्लांट विश्व का पहला ऐसा प्लांट होगा। MOU साइन किए गए सभी गांव और नगर निकायों में कूड़ा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां से सारा कूड़ा एकत्रित किया जाएगा। फिर इस कूड़े कचरे को कंपनी द्वारा अपने मुख्य प्लांट में ले जाकर बिजली, पानी और ईंधन में परिवर्तित किया जाएगा। वहीं प्रत्येक गांव और कस्बों में बनाए जाने वाले कूड़ा केंद्रों में कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए बाथरूम, सैनिटरी पैड मशीन, डायपर मशीन, वाटर ATM और शिशु फीडिंग रूम शामिल होंगे। कंपनी के MD अजय गिरोत्रा की माने तो एक साल के भीतर ये प्लांट काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने बताया कि इस प्लांट के सुचारू रूप से काम करने के बाद जिला ऊना कूड़ा कचरा मुक्त जिला बन जाएगा। इस मुद्दे पर नगर परिषद के अध्यक्ष अमरजोत सिंह बेदी ने कहा कि कूड़े कचरे के प्रबंधन के लिए सबसे पहले बेहतरीन तरीका अपनाया गया है, जिससे ऊना के कस्बे और गांवों को कचरा मुक्त बनाने में सहायता मिलेगी। वेलकम स्टेप है। इन्होंने हमारे से जब बात की थी 20 टन्स गार्बेज के लिए, हमने जो टोटल्स लगाए थे, हमें 3 ULBs मैथपुर, संतोषगढ़ और ऊना और 4-5 पंचायतों का मिलाकर हमारा 20 टन्स पूरा हो रहा था। इस बारी हमने देखा है कि जब हमने ये बात की है कि रक्कड़ ग्रिड तक इन्होंने बिजली पहुँचानी है अपनी, सो रक्कड़ के आसपास जितने भी गाँव हैं, सो हमने उनको बोला कि कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आकर अपना ये अग्रीमेंट साइन करे। ये सिंपल अग्रीमेंट है जिसमें इन्होंने अपना गार्बेज को प्लेज कर दिया इस कंपनी के पास। कंपनी डंप बनाएगी उनके जो उन्होंने एरिया नियुक्त किया होगा, उस डंप से रोज के रोज ये अपना रॉ मटेरियल, मैं बुलाऊंगा एक कंपनी के लिए तो ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल अपना लेकर जाया करेंगे। सो 28 पंचायत और 2 ULBs ने इसमें भाग लिया है एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप।